नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हर किसी JEE एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने बोला था आपको मैं MCQ कराऊंगा। अब क्योंकि हमने SAG तक पढ़ लिया था तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ना कोरोना के भी आएंगे, तो कोरोना में आपको पढ़ा दूंगा। तब तक आप थोड़े बहुत कोरोना के क्वेश्चन इसमें भी आएंगे तो वहाँ तक आप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेज एज। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमारी कब बढ़ती है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, वोल्टेज एंड बी ऑप्शन है वोल्टेज एंड पावर फैक्टर दोनों घटते हैं। वोल्टेज बढ़ सी ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ती है पावर फैक्टर घटता है। और डी ऑप्शन है हमारे पास वोल्टेज घटती है पावर फैक्टर बढ़ता है। तो सबको पता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कब बढ़ती है? जब भी कभी वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ता है तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीजेस। नेक्स्ट है स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? तो सबको पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है। AC करंट का किसी भी वायर से साइडों में से पास करना उसको बोलते हैं भाई स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट भाइयों हमारा साइज पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है और डी ऑल ऑफ द अबव। तो सभी पे डिपेंड करता है तो ये आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों इन एंड ओवर, यहां पे लिखा है इन एंड ओवर है ट्रांसमिशन लाइन। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी निगलेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज। तो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस निगलेक्ट हो जाता है जब भी लेंथ ऑफ द लाइन हमारी क्या रहेगी। तो सबको पता है लेंथ ऑफ द लाइन अगर हमारी 80 किलोमीटर से कम रहेगी तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट कम हो जाता है। सर्ज इंपीडेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की कितनी होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्ज इंपीडेंस ओवरहेड लाइन की 100 से 200 के बीच में होती है। पिन टाइप इंसुलेटर कहाँ तक यूज़ होते हैं? मैंने पढ़ाया था 33 kV तक यूज़ होते हैं। तो 33 किस पे लिखा है? सी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट कोरोना इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय। कोरोना इफेक्ट किससे डिटेक्ट होता है? हिसिंग साउंड, ब्लूइश ग्लो, फिल्मिनेशन, प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ऑल ऑफ सभी से डिटेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर प्रीडोमिनेंट किस पे होता है? तो सबसे ज़्यादा विंड प्रेशर किस पे लगता है? तो हमें पता है कि सपोर्टिंग टावर पे लगता है। तो सपोर्टिंग टावर कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट भाई हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो इसमें से कौन सी वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छी होगी, जो सबसे कम होगी? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की बढ़िया वोल्टेज रेगुलेशन तब मानी जाती है जब वो कम से कम हो। तो सबसे कम से कम वैल्यू कौन सी है? 0.02। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज अडॉप्टेड टू मेक डैश यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ट्रांसपोजिशन ट्रांसमिशन लाइन की यूनिफॉर्म कब होती है? तो जब उसकी रिएक्टेंस हमारी ट्रांसपोजिशन ट्रांसमिशन लाइन की किस लिए यूज़ होती है? रिएक्टेंस को यूनिफॉर्म करने के लिए। तो ए आंसर आएगा। स्किन इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो सबको पता है फ्रीक्वेंसी के। स्किन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। रिंग मेन सिस्टम किस लिए यूज़ होता है? तो रिंग मेन अर्बन रूरल ए एंड बी किसके लिए यूज़ होता है? तो रिंग मेन सिस्टम बेसिकली हमारा जो यूज़ होता है अगर वो देखा जाए तो रिंग मेन सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे इंटरकनेक्टेड ग्रिड्स होते हैं। तो यहाँ पे अर्बन और रूरल में से कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर प्रेफर्ड टू प्राइमरी इज डैश देन दैट ऑफ सेकेंडरी। पर यूनिट इंपीडेंस याद रखना ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे सेम होती है तो इक्वल टू आएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया। इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल नहीं है इंडिया में? 132 बिल्कुल होता है, 220 बिल्कुल होता है, 350 नहीं होता, 350 नहीं होता, 400 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोना प्रोड्यूस ओजोन गैस दैट इज। और कोरोना करता है ओजोन गैस जो क्या करता है कोरोड कर देता है कंडक्टर को, जंग लगा देता। तो बी ऑप्शन आएगा। बंडल कंडक्टर किस लिए यूज़ होते हैं? अभी पढ़ाऊंगा मैं ये। बंडल कंडक्टर यूज़ होते हैं किस लिए? कोरोना को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और पावर ट्रांसफार्मर को लिए भी, लाइन रिएक्टेंस को, डी ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए। स्किन इफेक्ट किसकी वजह से यूज़ होता है? तो स्किन इफेक्ट किसकी वजह से यूज़, स्किन इफेक्ट से क्या होता है? ठीक है ना, क्या रिजल्ट होता है स्किन इफेक्ट का? तो भाई कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ती है, बी ऑप्शन आएगा। विच कंडक्टर आर जनरली यूज फॉर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन? तो सबको पता है हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर यूज होते हैं। तो डी ऑप्शन ACSR कंडक्टर बिल्कुल सही। इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन कितना होता है याद रखनी है वैल्यू, ये होता है ±10%। ये ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एज द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इंक्रीजेज द लाइन इंडक्टेंस। स्पेसिंग जब भी बढ़ती है कंडक्टर की तो लाइन इंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की होती है
टू इंटू 10^-7 लॉग ई डी बाई आर, ठीक है, और डी उसमें स्पेसिंग होती है, तो स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगी। रेशियो ऑफ जी एम आर टू एक्चुअल रेडियस फॉर अ स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये अभी पढ़ाऊंगा मैं, ये बराबर होती है, इसको याद रख लो, ये होती है हमारी लेस देन 0.07788, तो आंसर डी। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज लाइन द इफेक्ट ऑफ शंट कैपेसिटेंस निगलेक्टेड, सबको पता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस थोड़ी सी होती है, कम लीकेज करंट होता है तो निगलेक्ट कर दी जाती है। सर्ज इम्पिडेंस ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज डैश देन दैट ऑफ अंडरग्राउंड केबल, सर्ज इम्पिडेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की हमेशा ज़्यादा रहती है अंडरग्राउंड केबल से, तो बी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम अंडर लोड कंडीशन बिकम मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस फिनोमिना इज नोन एज, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो इसको भाई हम बोलते हैं फेरांटे इफेक्ट, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन लाइन सैग के लिए, तो सैग को कौन से इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट फैक्टर करते हैं, मैंने सैग पढ़ाई थी, टेम्परेचर भी करता है, लेंथ भी करता है, वेट भी करता है, डी ऑल द अबव, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है WL²/80। ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर बने होते हैं तो भाई पोर्सलेन से, बी ऑप्शन आएगा। मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 220 kV लाइन इज डैश मीटर, 220 kV लाइन का कितना मीटर होता है, तो भाई हमारे पास 7 मीटर होता है, ठीक है। इट इज डिज़ायर टू कीप रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो यार बहुत ही कम रखनी पड़ती है, यहाँ पे होगी 0.05, डी ऑप्शन। ACSR कंडक्टर में इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर, तो कोई इंसुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ACSR इज नॉट मेड फॉर हाई वोल्टेज पावर लाइन, तो हाई वोल्टेज पावर लाइन के लिए कौन से ACSR नहीं बने होते, तो भाई स्नोबर्ड नहीं बने होते, ठीक है। मूज, रैबिट और जेब्रा, ये सारे ACSR बने होते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के। सर्ज इम्पिडेंस लोड इन फॉर क्वाड बेरिमिस ACSR कंडक्टर के लिए जो होती है 225, ठीक है। अब व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ शंट रिएक्टर इन अ हाई वोल्टेज सबस्टेशन, तो शंट रिएक्टर क्या करते हैं भाई साहब हमारे पास, ठीक है, अंडर वोल्टेज एक्सेसिव फॉल्ट करंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कल हम बाकी MCQs को डिस्कस करेंगे।